एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक नई वीडियो है, कोई रेसिपी, कोई व्लॉग्स, कुछ नहीं है। आज मैं बता रही हूँ सिर्फ घर में जो लास्ट वीडियो में डाली थी, कबूतर ने मुझ पर अटैक किया था, फाइनली उसने अपना घर इधर मेरे घर में बसा लिया है। इतने मेरी रोकने के बावजूद भी उसने वहीं पर ही अपना मतलब बसेरा बनाया है और उसी के ऊपर, और ये सारी मेहरबानी हुई है। वो लॉन्ड्री बास्केट में वहाँ पे रखती थी, वो रोज़ उसमें घोंसला बनाते थे, मैं रोज़ उसका 3-4 लकड़ियाँ जो इकट्ठी करते थे मैं वो रोज़ हटाती थी। तो आज उसने तो भी, और मेरे हस्बैंड ने उसमें कपड़ा वपड़ा रख दिया, तो आज उन्होंने वहाँ अपना बसेरा डाली और फाइनली उसमें एक अंडा भी दे दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हो आप, मैंने उसको कटोरी में दाने रखे थे कुछ और पानी भी रखा था, और उसका पूरा फोकस ना हम लोगों की तरफ ही रहता है, और उसका अंडा है उसके पास, तो दाने मैंने डाल दिए थे, उसने काफ़ी खा लिए हैं, वो देख रहा है। चलो उसको आराम से रहने, सुनो, चलो छोड़ना नहीं, उसने पूरे मेरा सामान सब गिरा देता है उधर, तो आपको दिख रहा होगा। तो वो आपको अंडा वाइट वाइट दिख रहा होगा, वो बैठ गया और प्लेट में ही बैठ गया है, अभी हटेगा तो देखना। देखो खा रहा है, वो खा रहा है, शोर मत मचाना वरना वो खाना बंद कर देगा। दिख रहा होगा गाइस आपको, वो कितने आराम से खा रहा है। ये ज़बरदस्ती का घर है इसका, मैंने इसका कितनी बार हटाया लेकिन ये फिर भी, ये देखो अपना अंडा अंदर कर रही है। माँ तो माँ होती है ना, कटोरी के नीचे उसने कर लिया है वो। मैंने तो बस उसका जरा सा झलक देखी थी तब मुझे पता चला कि इसका एग भी है, इसका आज ही इसने अंडा दिया है। और मैंने क्या अभी डोर बंद कर रखा है तो उसको पता नहीं चल रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसका ध्यान भी इधर भी है क्योंकि जो ये जो विंडो लगी है ना, ये कांच की है, तो वो देख लेता है। तो मैंने उसका पानी भी रखा है, ये देखो ये रहा उसका एग, संभाल के रख रही है। अब मुझे इसका अंडा यहाँ से मैं हटा तो सकती नहीं, रोज़ तो ये उड़ के चला जाता था। देखो खा रहा है, उसको भूख भी लगी होगी। एक तो इसके पास डालने जाओ ना, ये अटैक और करता है, इसने मेरे हाथ पे चोंच मारी अपनी जब मैं ये दाने डालने गई थी। अब उसमें दाने हो गए हैं ख़त्म, तो सोच रही हूँ दोबारा से डाल दूँ, किसी चमचे वगैरह से डालूँ। वो देख रहा है कि हमको, उसको कोई देख रहा है, देखिए वो दाने मैंने एकदम से डाले थे ना, उसमें चौंच मारी तो बिखर गए थे, थोड़े से नीचे गिर गए थे और थोड़े से उसकी प्लेट में, बस मैंने यही अंदाज़। ये देखो अपने अंडे कैसे कवर कर रहा है, देखो, लेकिन बहुत चालाक होते हैं ये। मैं ज़रा सा भी इधर उधर जाऊँ ना तो फटाक से एकदम से देख निकलता है एकदम, मतलब वैसे कबूतर तुरंत उड़ जाते हैं, बट एक मतलब अपने बच्चे के लिए इसने मुझे चौंच मारी। ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये मुझे मार रही थी। तो ये देखिए इसका एग ये रहा, फिर मैंने पानी भी रख दिया, एक कटोरी में काफ़ी दाने थे, बहुत खा लिए इसने, और एक वहीं पास में मैंने पानी रख दिया है। और अभी मुझे क्या करूँगी, इसको उठा के ना वहाँ वो ग्रिल पे, वो जो पोछा रखा है ना उसके ऊपर, वहाँ पोछा वहाँ नहीं रखूँगी, वहाँ ग्रिल पे एक बॉक्स में इसका एग रख दूँगी उठा के रात में, क्योंकि मुझे इधर काम होता है और इस लॉन्ड्री बास्केट में मेरे कपड़े भी हैं, तो उठा के वहाँ पर रख दूँगी। फिर जब तक इसका अंडा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक, ये देखिए ऐसा ना हो कि इसका अंडा फूट जाए। नहीं नहीं नहीं, इसको सेफ्टी से ऊपर रख देंगे, ऐसे ही हमने पहले भी किया था। देखो उसका ध्यान इधर ही है, उसके दाने हो गए हैं ख़त्म, तो मैं दाने डाल, देखो उसका एक एक आज तो वैसे तो रोज़ चला जाता था बट आज लगता है नहीं जाएगा, क्योंकि फिर क्या वो कटोरी ना एकदम सेंटर में पहुँच गई, साइड में रखी थी इसने हिला हिला के उस पर बैठ के। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको दाने और डाल देती हूँ, अभी क्या पानी भी है, नहीं पानी नहीं पिएगा वो, अपने अंडे को सेट अभी रख रहा है, कहाँ रखूँ उसको, कभी सेट नहीं हुआ है। मम्मी कहीं उसके अंदर मत डाल दे। नहीं नहीं नहीं, मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, मतलब उसको तसल्ली नहीं होती, वो आराम से किसी भी तरीके से रखेगा। रख लिया, अभी से पहले नहीं था, आज ही ये अभी हमने देखा है, मैं स्कूल से आई ना उसके बाद फिर मैंने इसको बैठे देखा, इसको मैंने बहुत कोशिश की, अब समझ में आया कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं इसको घर नहीं मिला था, यहाँ पे क्या इसका हिसाब किताब अच्छा हो गया, तो इसने यहीं पे रखा है, मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। और ये सारी मेहरबानी मेरे हस्बैंड जी की है, उनको बहुत दया लगती है, फिर मैंने भी थोड़ी सी अपनी दया दृष्टि बरसाई और इसको खाने और पीने को दिया है। मम्मी
अगर आप खुद अगर तुम उसको खाने दो तो माता आपको नहीं खाने देंगे, क्योंकि मेरा बच्चा भी। और यहाँ पे देखिए जगह और दिखाती हूँ, वहाँ पे भी अंडे भगवान के साथ होते। इस साइड भी देखिएगा, यहाँ पे भी एक एग है। ये विंडो ओपन कर हमारा, ये देखो निकल के तुरंत उड़ गया। वो देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे, उठ जाए। ये तो ऐसे ये डब्बे वगैरह इधर रख देते हैं हम लोग, तो इसमें रखा था तो कबाड़े वाले को बेचने के लिए निकाला था, तो अचानक से मैंने देखा कि इसमें अंडा है, फिर मैंने ला के इस तरफ रख दिया क्योंकि यहीं से उठा के ले गए थे। तो कबूतर अब आके इसी में बैठता है, और वो कबूतर उधर देखो वो बैठा है ना पूरा, और वो मुझे ही देखेगा इधर ये वाला। ये तब तक मैं ऐसे चल ही नहीं रही। एक यहाँ पे इसने घोंसला बनाया है, एक और आपको घोंसला दिखाती हूँ, और एक ये बनाया है यहाँ पे। बट यहाँ पे भी अंडे नहीं दिए, इधर के हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है हम रख देते हैं, उधर बना उधर दे दिया एक। चलो अंधेरा सा हो, फाइनली दो अंडे हो गए हैं घर में, एक उधर एक ये इधर। इधर का तो अभी नया ही नया है। ये देखो मैंने केले टांग रखे भी, क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, उसके दाने ख़त्म हो गए, मैं उसको दाने डाल देती हूँ। तो अभी मैं उसके लिए ले जा रही हूँ ये दाने, ये रहे, उसको देती हूँ खाने के लिए। हट जा। अब मुझे रोज़ उसके लिए थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अभी उसने क्या अंडा दे दिया है ना, तो इसके लिए और थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। हाथ हटाए, सब गलत हो गया। यहाँ पे मैंने ये दाने ले लिए हैं उसको देने के लिए, कबूतर को डालने के लिए। चिमचे मिले, लास्ट टाइम उसने मुझे चोंच मारी थी वो रहा। मैं भी, अरे ये ब्लर कैसे आ रहा है। ओके ऋषभ इधर आ जाओ, आपको मारेगा वो। ऋषभ इधर आओ, इधर आओ, चलो चलो देखा किस तरीके से ये अटैक करती है अपने एग को बचाने के लिए। लेकिन मैं उसको खाने के लिए देने गई थी, उसके बाद भी वो मुझे अटैक कर रही है। एक तो मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे मार रहे हो। अब नहीं, वो अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको डर लग रहा है। लेकिन अभी हम उसका घोंसला उधर बनाएंगे वहाँ पे, ताकि ये हमारा ये एरिया छोड़ दे। सुबह बस कपड़े धुलने की थोड़ी दिक्कत होती है, तो इधर बैठ के धुलूंगी। नहीं बेटा उधर मत जाओ, वो परेशान होगी। तो अभी मैंने उसको दाना और वो रख दिया है, और अब मैं जाती हूँ। मुझे अनाया के लिए हेयर बैंड लेके आना, मुझे अनाया के लिए हेयर बैंड लेके आना है, क्योंकि कल वो जा रही है पिकनिक। तो अनाया के स्कूल में पिकनिक है और वो जा रही है। तो और आज से सिर्फ मेरा इतना ब्लॉग रहेगा कि मतलब वो अंडा कितने दिन तक चलता है। डेली मैं उसका डेली रिकॉर्डिंग करूँगी, अपना वो फालतू का नहीं दिखाऊँगी क्या बनाया क्या खाया। और एक अंडा इस तरफ है, जो इस तरफ है, देखती कबूतर आया कि नहीं, विंडो खुली है। वो देखो वो रही उसकी माँ भाई, वो उधर ही बैठी रहेगी, इसीलिए मैं ज़्यादातर खोलती नहीं क्योंकि वो परेशान होती है, तो कोई मतलब नहीं है। और इसको भी यहाँ पे है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे डेली मेरा कबूतर ब्लॉग ही चलेगा। कबूतर ने एग दिया है, अब ये कैसे कैसे बड़ा होता है, इसमें अंडा कैसे, उस तरफ का भी देखूंगी और इस तरफ का भी देखूंगी। और आज डेट है 26 मार्च, तो ये वाला एग 26 मार्च का है, और वो वाला शायद 1 वीक पहले का है, उसकी मुझे डेट क्लियर पता नहीं है। तो चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब ये नहीं होंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे वो करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ कबूतर का देखेंगे और थोड़ा बहुत अपना। ओके बाय बाय।